वेलकम फ्रेंड्स टू बिटो क्लासेस। तो अभी हम सब जानते हैं एसएससी सीजीएसएल 2019 का नोटिफिकेशन आ चुका है और 5 मार्च को एडवर्टीजमेंट्स भी आ जाएगा। ये एसएससी के नए कैलेंडर में दिखाया गया है। तो अब सबसे ज़रूरी ये है कि सिर्फ फॉर्म नहीं भरना है, हमें एग्ज़ाम निकालना है। तो एग्ज़ाम निकालेंगे कैसे, उसके जो तरीके हैं मैं आपको बताऊँगा अभी। तो अगर आप फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि जरूर निकल जाएगा। बस कुछ दिन की देरी है और फिर इसके जो मार्केट में बुक्स है, सही बुक्स है, वो मैं आपको बताऊँगा। और तब तक के लिए आपके पास भी जरूर कोई किताब होंगे जो आप आराम से कर सकते हैं। मैं उन किताब का लिंक भी आपको दे दूँगा इस कमेंट सेक्शन में, तो आप प्लीज़ वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि हमारा मिशन जानेंगे। तो मिशन ये है हमारा कि हाउ टू क्वालिफाई एसएससी सीएचएसएल 2019। तो सबसे पहले क्वालिफाई करने के लिए हमें एग्जाम्स का पैटर्न जानना होगा कि किस तरीके का एग्जाम्स होता है। तो इसमें है क्या, 4 पार्ट्स आते हैं, ठीक है, मैथ, रीजनिंग नॉलेज, इंग्लिश। ये चारों पार्ट्स होते हैं। इस चारों पार्ट के जो नंबर अलॉटेड होते हैं फुल मार्क्स, वो होते हैं 50 50 50 50, ठीक है। तो अब हमें कितना कट ऑफ जो हम लाए, एक सिक्योरिटी हमारे पास हो सकती है, ठीक है। जिस हिसाब से कट ऑफ हर साल चले जा रहे हैं दोस्तों, तो उसके हिसाब से हमें कम से कम 160 नंबर लेके आना है। तो 160 नंबर लाना आसान नहीं है पर बहुत मुश्किल भी नहीं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो अगर हम 40-40 नंबर सब में ले आते हैं तो हम आराम से 160 तक पहुँच सकते हैं। पर मेरा कहना ये है कि आप कोशिश तो करें सब में 50-50-50 लाने का, ठीक है। जिससे अगर मान लीजिए आपका 1-2 सब्जेक्ट ऊपर नीचे हो तो आप उसमें कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अब हमें पढ़ाई कैसे करनी है, किस तरीके से पढ़ना है। पहला हो गया मैथ्स, रीजनिंग, जनरल नॉलेज और इंग्लिश। तो चलिए इसे हम जानेंगे कैसे पढ़ाई किया जाए। तो सबसे पहला बात, इतना नंबर लाना कैसे, सबसे ज़रूरी बात है रूटीन बनाना, ठीक है। रूटीन बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप अगर एक ही चीज़ को बार बार करिएगा तो आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से सीखिएगा और एग्ज़ाम में गलती नहीं होगी। अगर आप एक दिन बना के छोड़ दीजिएगा तो गलती होगा। और सारे स्टूडेंट्स यही करते हैं, जो क्वालिफाई करते हैं वो रोज़ बनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप सारे सब्जेक्ट को एक दिन में नहीं पढ़ पाइएगा, तो आपको अल्टरनेट डेज करके पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए आप मैथ्स को एक कांस्टेंट रखिए, ठीक है, सुबह के टाइम आप मैथ्स बना रहे हैं तो चलिए 5 घंटे हम मैथ्स बना लिए, ठीक है। ये आप टाइम नोट डाउन भी कर सकते हैं, आप 5 घंटे मैथ्स बनाइए, बट उसके बाद जो आपका टाइम बचेगा तो आप उस टाइम में क्या करिए, आइदर इंग्लिश पढ़िए और जीके पढ़िए। अगर आप आज इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो कल जीके पढ़िए, फिर अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो फिर जीके पढ़िए। अगर आप इस तरीके से करिएगा तो आप मैथ को क्या करिए, कांस्टेंट रखिए जब तक कि आपका पहला चैप्टर ख़त्म ना हो जाए। पहला चैप्टर ख़त्म करिए फिर आप सुबह के एक दिन को रीजनिंग बनाइए, और जो वो आपका रीजनिंग और इंग्लिश चल रहा था वो शाम को चलते रहने दीजिए। एक दिन जीके पढ़िए, एक दिन इंग्लिश, एक दिन जीके, एक दिन इंग्लिश। सुबह में आप मैथ बनाइए जब तक कि आपका चैप्टर ख़त्म ना हो जाए, तब तक आप रीजनिंग को मत छूइए। जैसे ही मैथ्स ख़त्म हो जाए रीजनिंग को पकड़िए, पहला चैप्टर बनाइए, फिर दूसरा चैप्टर मैथ्स का, फिर दूसरा चैप्टर रीजनिंग, दूसरा चैप्टर मैथ्स, दूसरा चैप्टर रीजनिंग। इस तरीके से आप करिएगा तो आपके लगभग लगभग दो से ढाई महीने में आपका जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद भी आपके पास अच्छा खासा टाइम बचेगा जिसमें आप रिविज़न कर सकते हैं और पेपर सॉल्व कर सकते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों, रिविज़न तो इम्पॉर्टेंट है ही है, बट उससे इम्पॉर्टेंट है पेपर देना। तो जैसे कि आपका जो टाइमिंग है, मान लीजिए आपका 1.5 घंटे का टाइमिंग है, तो उस 1.5 घंटे में या 1 घंटे का टाइमिंग है आपका सी एच एस एल का, तो आप उस 1 घंटे को इस तरीके से प्रिपेयर करिए, रोज़ के रोज़ आप कम से कम एक पेपर सॉल्व करिए। हर दिन एक पेपर सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप नहीं करिएगा तो आपका एग्ज़ाम प्रैक्टिस नहीं होगा। ये याद रखिए, इस बात को गांठ बांध लीजिए। और इस तरीके से नहीं कि पेपर आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व करो, तो 1 घंटे में आप देखिए 1 घंटे में कितना नंबर आ रहा है,
आप रोज इसी चीज़ को करिएगा तो आपको जो नंबर अगर मान लीजिए पहले दिन 50 भी आया, तो अगर आप डेली प्रैक्टिस करिएगा तो 20 दिन बाद वो नंबर आपका 50 से बढ़ के 150, 170, 180 तक पहुँच सकता है। लेकिन आपको ये डेली करना पड़ेगा और उसी तरीके से आप फॉलो करिए। अब आपको जो बुक्स मैं बताने वाला हूँ कि कौन से बुक्स आपको चाहिए, तो जैसे कि मैथ्स के लिए एक तो आपका अरियंट का CHSL 2009 का कंप्लीट गाइड आता है, ठीक है, आप उसको उठा लीजिए। और आप क्या करिए, एक बुक खरीदिए RS अग्रवाल का जो एप्टीट्यूड का बुक हो, ठीक है, उस बुक से आप सारे मैथ्स बनाइए। आप मैथ्स कैसे बनाइएगा, पहले आप अरियंट वाले बुक से नंबर सिस्टम बनवाइए, पहला सिस्टम हमारा नंबर सिस्टम, तो आप क्या करिए पहले नंबर सिस्टम को कंप्लीट करिए अरियंट वाले बुक से, फिर उसके बाद आप बड़ा वाला बुक उठाइए RS अग्रवाल को, ठीक है, उससे उस चैप्टर को पूरा कवर करिए क्योंकि उसमें लगभग लगभग 100 क्वेश्चन मिलेंगे, उसको पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। उसके बाद रीजनिंग फिर अरियंट के बुक से बनाइए, और कुछ आपको नहीं चाहिए इसके अलावा। और बाकी जो उसमें GK लिखा हुआ है, इंग्लिश लिखा हुआ है, आपके CHSL एग्जाम के लिए काफ़ी है। हालांकि 2019 का बुक शायद नहीं आया है, जैसे ही आएगा मैं आपको ऑनलाइन उसका लिंक दे दूंगा, आप आराम से वहां से ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। आप उस तरीके से पढ़िए, आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली क्लियर होगा, ये हमारा गारंटी है। बट आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, और एग्ज़ाम देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप हमसे जुड़े रह सकते हैं हमारे चैनल पे, हमने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं CHSL के मैथ्स को लेके, अब हम बाकी सब्जेक्ट्स भी बनाएंगे। और हम जैसे एग्ज़ाम्स के टाइम आएंगे तो हम एटलीस्ट आपको 20 पेपर्स देंगे प्रैक्टिस के लिए, जो विद सॉल्यूशंस। हमारा वेबसाइट है withdrawclasses.in, तो वहाँ पे आपको वो टेस्ट देने का टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका प्रॉपर एक पैटर्न है जिसको अगर आप फॉलो करिएगा तो आपका एग्ज़ाम्स निकल जाएगा। तो आई विश कि आप ये पैटर्न फॉलो करें और अच्छे से फॉलो करें और आपका एग्ज़ाम निकल जाए। देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी, कोई भी सवाल आपको पूछना है, तो हमारे फेसबुक में हमसे पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम, एंड डू फॉलो अवर प्लेलिस्ट for good understanding of math and other topics. Thank you.